पढ़ के मेरी अखा में आ जाएगा। अखा में जमाने अथरू दिल का बोझ हौला कर दे। और कुछ नहीं तो मैं अपने जे एक दुख मारी समझ के जुर्म की कहानी सुना दे। मैं देर पे गया सी। की कुछ नहीं है भैन, मैं गरीब प्यो के घर जवान हुई ते मेरा ब्याह एक बस ड्राइवर नाल कर दिता गया। कुछ अरसा मैं अपने खावंद नू हीरे का प्यो बनन की खुशखबरी सुनाई ते वो सुन के खुदा का शुक्र अदा करन तो बाद कहन लगा मैं प्यो दी भी लैन के ऐसे ते आप चिट्टा कफन पा के कबरी च जा सुना पुत्र में मुंह वेखन तो पहला ही मर गया। ते मेरे बुढ़े प्यो का सहारा भी यह बारह सह सकिया ते मैं इस परी दुनिया च हली रह गई। ते मैनू कल्या समझ के एक राती साढ़े महल्ले का बदमाश साढ़े घर आ गया। भूल क्यों गई है? तेरे ना कले बह के दो गल्लां करन दी हसरत तेरे व्याह तो पहले भी साडे दिल च सी। नादरा ओदा तू मेरी गल नहीं सी मन्नी ते व्याह करा के इस घर चू लाई सी ते ओदे तो बाद तेरा खां साडे दरमियान कंध बन गया। हुण ओ कंध भी ढह रही है ते मैं भी आ पुरानी हसरत तू जरूर पूरी करा। जलील तू मिलिया तू मेरे पता बताया जेड़ी गल मैं सिर्फ नादर बन के की है वो गल मैनू नादर बदमाश बन के कंधे मजबूर ना कर। वे बदमाशा किसे कुले खेच ना रवी शरीफ मां प्यो दिया तिया अपनी जान ते खेच के भी अपनी इज्जत ही पाजत। तू अपनी जान ते बाद च खेडेगी पर मैं तेरी इज्जत नाल हुणे खेडूंगा। मैं कहनी है तू चुप करके चला जा नहीं तो मैं रोले पा के सारे महल्ले नु जगा लूंगी। ओए अजकल दूसरे लिए अपनी नींद कौन खराब कर रही वो पैसे हैं मेरे को करा देंगा तेन चुप करके मेरिया बात आ जा। वे दुख जिन्ह की जिंदगी का शिकार हो वो ऐश करने वास्ते अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर दे। ते फिर मैं अपनी पसंद का सौदा हर कीमत पे हासिल करूंगा। उन्होंने मैंने पुलिस के हवाले कर दिता।
खातर बदमाश दे साथियों को डर के किसे ने भी कचहरी जाके मेरे हक बयान न दिते मैनू कानून ने जेल भेज दिता। जेल के अस्पताल च हीरे ने अख खोली मेरे सह मुक चले ने पर दुख नहीं मुके। मैं सोच लिया जेल की चार दीवारी जन्म लैन इस बच्चे नू जे लोगों ने शरीफ शहरी न समझिया ते फिर की बनेगा फिर की बनेगा। मां रोटी खा ते पैसे मैं आपे दे लांगा। तू मेरे वाल ऐसा क्यों पावे ना? पंछी जब तक जाल विच फस नहीं जांदा उन्हूं किसे गल दा पता नहीं हुंदा। तू रज के रोटी खा आपे तैनू भी पता लग जाएगा। नहीं नहीं मैं तेरे को पैसे लेकर रोटी नहीं खावांगा। मैं तेरे को डर लगता। ओए मेरे को डर लगता है? मेरे को डर लगता है तो दफा हो जा। रोटी वास्ते जाके पैसे लेके आ नहीं तो फिर जेल चला जा। क्या नहीं तो फिर जेल चला जा। फिर जेल चला जा। आवे ठंडा पानी पीन वाले ठंडा पानी आवे ठंडा पानी पीन वाले खुल मंग ले या खोले बस्ता चौके आ गया जिम्मे बस्ता बेदा बदमाश हूं चौंका के चला नहीं तो बस्ता खोले बिस्तरा बना लिया भाई जलेबी का घर नुकया गया आ मेरे ना क्या अरे मेरे को पैसे लेने नहीं पागला तो तेरे पैसों की जरूरत नहीं होगी। पैसे ना तो खिडौने खरीदे जाते हैं तो इतने बह तो मैं हमने रोटी लेके आऊंगी। किहो जी दुनिया कोई कहना रोटी खाने तो पैसे ला गया तो कोई कहना रोटी पैसे की लोड़ इला फर तेरा नाम की है? हीरा। तो तेरा घर कितने है? मेरा कोई घर नहीं है। तो तू आया कितने जेल ओए जेल दी पैदावार ऐसे क्या करना है दफा हो जाए तू ते मुड़ के इधर मुंह ना करी। अब्बा
ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਤੀਏ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਬਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੀਏ ਲੋ ਮੀਆਂ ਬੇਗਮ ਆਈ ਦਾਮ ਕੀ ਰਕਮ ਸਾਥ ਲਾਈ ਓ ਬੇਗਮ ਲਗਾ ਬੇਗਮ ਕਾ बैठ जाए सारी पैसे जीत लेनी आज तक पत्ते तन जूतियां मांगू पैर तमीज से बात करो मियाँ जूतियों की मानिंद नहीं फूलों की मानिंद कहो फूलों की मानिंद पंजे रुपए की बेगी छुट मियाँ पांच रुपए की बेगम मांग कर तोहीन करते हो बेगम की तोहीन और तने किन्ने वारी क्या गल्ला घाट की दिया कर और पत्ता छुट लो फिर काटो चल बेगम अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर और बाहर ओ अंदर बाहर ओ अंदर बाहर अंदर लो आई बेगम छम छम करती बलो मुंडा बेगी ने तेरे नाल निकाह फड़ा लिया और कोई गल नहीं मैं भी बुरे दे घर तक जाऊंगा और ला फिर सुट बेगी बाहर लो काटो मियां बाहर बाहर बेगम अंदर जा बेगी तेरा खाना खराब आज तक एक फेरा भी नहीं पाया साडे वल उठ दिला चल के होर कर दो चुप आज दी पैदा तो गई है मुख कच्चे धागे से बंदी आएगी बेगम सुट बेगी पान की ग्लोरी बराबर अपना माल हार के तौब क्यों खाते हो मियाँ लो काटो मान गए उस्ताद किस्मत के धनी मालूम होते हो फिर सुट बेगी अनाड़ी मालूम होते हो नन्हे जुआरी गोया ताश भी मुझे को बांटनी पड़ेगी खुशी महसूस करना इस पक्या मैं जेल ची अख खोली थी जेल ची और संभाले इतने रहने वाले हर बंदे का दार वेख के बासन वेख के इतने आने वाला चोर अपने आप को चौकीदार नहीं कहता कातल नेकी का फरिश्ता नहीं पाता डाकू महाफत बन के धोखा नहीं देता तेरिया गल्ला सुन के मैं सोच लग पा कि तेरे वर्ग का बंदा कहना जुर्म करके जेल आता है जुर्म की पली पुछी हो मैं बचपन अजीम इंसान अखवान वाले की ठोकर खा के जल्दी और खट में जा देगा था विश्वास लाया तो हथकड़िया मेरा पत्थर बन गई सन शराब में जिंदगी समझिया तो मात मेरे पिछे लग गई तेरे वर्ग के बंदे ने साड़ी उम्र भी लग जाए पुत्र तू आज कुछ बहुत ही परेशान लग रहा चाचा खैर पे है की पूछना है पुत्रा तेरिया गल्ला सुन के ते असी अपना दुख भूल जाते हैं तू टुर चलिया ते साडा की बनेगा तेरे बाद हाकू ने फिर अपनी मशक्कत मेरे को करानी शुरू कर देनी और तू फिक्र ना कर मैं उन मिल के जावांगा तो दो लुआन का बड़ा इच्छा है ओए गल सुन झूठे तिनसा दो जे तू मेरे बाद ने विचो किसे ने भी तड़ी लाई याद रखी मैं तेरी जबान खिंच के तली दस देंगे सानू पछाड़ के गल करो या असी सिर चुकन वाले ना सिर लाद दे उन्हें आ ए मेरे ना बदमाशी ना मलूम हुंदा तेरा भुलेखा भी कटना ही पड़ेगा Thank you.
तेरी रिपोर्ट करके तेन कोठी लवा देंगे हीरिया तू मेरे नाल आ तेन जेलर साहब ने बनाया सलाम जेलर साहब वालेकुम असलाम तेरी रिहाई का ऑर्डर आ गया नहीं दिया मैं उम्मीद करना कि तू फिर जेल आने वाला कोई काम नहीं करेगा जेलर साहब जिस चार दिवाली मैं मां भी गोद का एहसास होंगे मैं वो को दूर किस तरह रह सकना मेरी जिंदगी भी तू पहला कह दी है जो जेल में प्यार करता है इस वास्ते कि बाहर सारे मेरे को नफरत करते हैं पर ही रहा नफरत बड़ा दुख देती है जेलर साहब बड़ा दुख देती है काश यह गल दुनिया वाले भी समझ जान वैसे ही रहा हालात को शिकस्त मान लेना तेरे वर्गे जवाना की शान ने मैं हालात को शिकस्त मान लगा मेरे अंदर यार इंडिया थोड़ी जी रकम मैंने दे मैं किसी की खिदमत करनी और तू कि खिदमत करनी है कुछ ना कुछ ही दसा महल्ले च बाबा इलमदीन बेसहारा बेआसरा बेचारा गरीब आदमी है और उन्हें अफीम भी छी है लोगों ने वह हाल चाल पूछना छड़ दिता ईमान मैं जुए तो फारग होकर जा कुछ खिदमत करता तेनू ते अकल मत ही कोई नहीं बारो आई है तो सब तो पहले कही अस्सलाम अलैकुम खैर एक ना एक दिन तो तेन समझ आ ही जाएगी की समझे क्यों आए मैं दिल्ली रोटी लेके आई हूं अज तो बाजारों रोटी खा के तो नहीं ना आया नोरी मैंने किन्ने बार समझाया वो मेरे से रोटी लेके ना आया का क्यों याद है ना एक दिन बचपन में तू मेरे रुखाई थी तेरे अब्बे ने मैं धक्के मार मार के घरों बाहर कर दिया ताही तो मैंने तेरे पीछे तेरे घर तक आना पैंदा है की समझे तो जरा तू मेरे घर वाल आनी है लोगों की नजर मेरे दरवाजे से लग जाए जबान खुलती है तीर बन के मेरा कलेजा छंग नहीं कर देने पर मैं लोगों को नहीं डरती मैं सिर्फ अपने अब्बे को डरनी हूं वो रात में थकिया हुआ आंदा है ते रोटी खाते ही सो जाता है ते नाले मैं तो तेरे लिए चोरी चोरी रोटी लेके आनी हाँ वो ऐसा कब तक मेरे लिए और पका के ले आती रहेगी जब तक साढ़े घर का आटा नहीं मुक जाता ते नाले तेरे घर रोटी पकाने वाली नहीं आ जाती हीरिया एक गल तो दस तेन कहो जी रोटी पसंद है मैं तो सिर्फ ताश की बेगम पसंद जी हमेशा मेरा मान रखने लिए अपने नाल दौलत दे ढेर ला के मेरे सामने आ वे मेरे नाल ताशवास की कोई गल ना करी ते सीधी तरह दस जे तेन कोई मेरे जी मुटियार पसंद है तो वो तेरे ब्याह की गल करा की समझे नहीं नूरी मेरे बह के सैंडविच मैल बनाने ची नहीं कर वे चंद ते आप रोशनी लेके तेरे कदम चाह ली तैयार है तू हर वेले परेशान नहीं होया कर देखी ना तस्वीर च मुस्कुरा होया तू कि सोहना लगता है इंज लगता है जिम्मे तू अपने दिल का खून किया है समझे तू घर चले मैं तो टोरी जावगी रोटी पई हो मेरे जान तो बाद खा लवी भुखा सौ गया खुशियां तेन ख्वाब भी नहीं मिलनिया
खुश हैं इस कम अगल नू की पता खुशियां तो साड़ी तकदीर के हिस्से विच आई है राजे डॉक्टर साहब जी आसानी ना आ सकते हो मैं हौली पैर रखो कि कोठा उलार ना हो जाए डॉक्टर वास्ता जे एडी जोर दी नसो हमसाया दे बाल डर जाएंगे आ जा चाचा मैं चाचा जी होश करो आ देखो डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए ने ते ए पहुंचे भी 12 किस्त इतने इतने होश करो मेरे को आ जा और मेरे नेक पुत्रा डॉक्टर जी सुनी जे मेरी तारीफ तू ते अपना पैसा लाके इस गरीब का इलाज करा रहे सचमुच तू बड़ा ही नेक शाबाश डॉक्टर जी चाचा जी दे इलाज तो बाद मेरा भी इलाज करना तन्नू की शिकायत मेरा भी मोढ़ा हिलाता जी ओ पुत्रा ए डॉक्टर ते तेनू की सरगा कुटन वाला इंजन लगन दे कमाल दी गल्ला तू करना डॉक्टर साहब तेरा चाचा जी मेरे नु समझाओ वेखो ना नु गुबान चढ़ गया ज़हन बैठी बैठी गल्ला पे कर दे तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैं तेरा इलाज कराऊंगा मैं ठीक हो जाए जी पहले तफ्तीश करो मैं नुस्खा लिख के दो मैं दवाइयां बाजारों लेके आवा तो ठीक होएगा ना पहले तशरीफ रखो तुसी एक मिनट ठहर जाओ या हां जी तशरीफ बड़ी कमजोर इनमें की ताकत दी गोलियां लिख दे मैंने चुकता थी मेरा क्रेन लो आ चुकना पड़ेगा उठ मौला इधर पासा मोड़ो है जे सीधा पासा कोई गल नहीं मैं कुर्सी लैके आना ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਉੱਠੋ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋ 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 ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ 12 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਬ ਡਿਗੈਰ ਤੇ ठहर जाओ एक शाय हो रहा है पानी पीना जे खैर बाद ए, ए तो हम बड़े आराम ना बैठो सारी चिप कढ़वा लांगे मैनू ये दसो इस घर विच इलाज करना आयो कि साडा फर्नीचर भन्नना आयो इहदे विच खून दी कमी ते डॉक्टर जी वेखदे की पए हो आपणे जो दो गैलन कढ के चाचे जी पा दियो मेरा मतलब तुहानू कोई सुख दा साह आवे तुसी वी कोई सवाब कमाओ तेरे जैसे मुंह फट आदमी दे मरीज दा मैं इलाज करन वास्ते बिल्कुल तैयार नहीं मैं चले गया किथे चले आए कुर्सी ते परखचे उड़ाते जे इक साडी मंजी जख्मी कर दित्ती जे इहदी रकम कौन दे इज्जती बहुत इज्जती ए मन्ने ना ज्यादा आप मरण शहीद मेरा चाचा पिया ये जो गुजर जाए तो ये ज्यादती नहीं ये इलाज करो तशरीफ रखो सालो जी जोरदार दाएं मिनट जीता के लिए समझी वाह इन्हां गल्लां को अपने घर नहीं ले जांदा वो तुसी जिहदे घर गए हो उस गरीब नूं जमीन ते सौणा पिया पर चाचा तू क्यों घबरा ले तू मैनूं दस तेरा इलाज कराने च मैं कोई कसर छड्डी मैं कहना इन्हां कोल आराम नहीं आया तां किसी होर अच्छे डॉक्टर साहब नूं दिखा देंगे हुण तू इसरा कर मूँह ते खेस लै ते आ दीवार वल मूँह कर कर लै ते इधर मूँह ना करी मैं ते दवाई लैण चली इधर नहीं तकना डॉक्टर साहब ने परहेज दसे शाबाश बस इधर ना तकी
जे तू हाली सवेरे बन के इस लाश में चुकना है तो चार जो मर्जी पूरा कर ले। चार दिन मेरी लाश तो पूरे हो गए, वादा कर भी लिया तुझे सच कह रही हाशा। मैं अपने यार की कसम खा के वादा करना तेरा ब्याह हीरे दा नहीं होगा, स्मार नहीं उसे कर जाऊंगा। मेरे जेल जाऊंगा पर हाशा तुम कोई गल ना करे, यकीन लेके वापस जा। तेरी डोटी अगले कल जैसे चुप के इन्हें बेकार छट गया। मेरी डोली हिरन कर जाएगी, हिरन ना हो जाएगा। हिरन मेरी जिंदगी में मेरे आज जान बन के आएगा, जान बन के आएगा। मतलब बदमाश भी रहा एडिया चुक के किसी के घर झाती नहीं जो मारन देने। अच्छा ये गल ही ऐसी है बाबू जी, जेल जान तो इसलिए नहीं डरता जमया जेल च। दिलावरा यहो जा बंदे नू तो यार बना के काम कर ली दा, वो इनू किसी दिन मेरे को लिया असी भी तो वेखिए हीरा बदमाश की शायद है।
हाथ ना लाई हीरिया, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। तेरा खून पसीना सरमायादार की तिजोरी च बंद है बाबा, यह तो तेरी जिंदगी का बोझ है जिन चुके तेरा बुढ़ा जिसम थक गया। लिया मैं तेरे घर छा हीरिया, तू मैं पैड़ा आदमी समझ के डर गया बाबा, मैं तेन थकिया समझ के तेरे काम आना चाहना। पर हीरिया घबरा ना बा, मैं तेरी नफरत में तकदीर का लिखा समझ के छोली पा लेना, तू मेरी नेक में एक बदमाश की पुलिस समझ के याद रखी। आ चलिए, पता नहीं कितने तुर गई है कुड़ी, अब मैनू फड़ा दे हीरिया। तेरा शुक्र है मेरे रब्बा, गठरी तो मैं चुके ले आया बाबा, तेन पसीना कि आ गया। वो कुछ नहीं हीरिया, बुढ़े बारे इंसान जरा जरा गल से पसीने आ जाते हैं। सच क्यों नहीं बोलता बाबा, तेन डर इस गल का कि मैं कि तेरी गठरी ना चुके लै जावा। गल हीरिया मैं तो गल टाल के उस नफरत से पड़ता ना पा बाबा, तेरे दिल में मेरे वास्ते हीरिया इज्जत डर के की जा तो जिल्लत नो बहुता दुख दें जी, प्यार मजबूर होके किया जाए नफरत का दुष्ट कि खरिया गल कर इसे वास्ते तो लोग मैं खोटा सिक्का समझ। तू तो अज मैं सोची पा दिता है पुत्र, पुत्र तू मैं पुत्र आखे बाबा। आहो पुत्रा, पर तू हैरान कड़ी गल हो गए इस वास्ते, मैंने तो अज तक शरीफ लोग इंसान नहीं समझा, तू मैं पुत्र आख दिता है, पुत्र आख दिता है। मां बेवकूफ सियाने कुल बह जाते सियाने हो जाते तू सानू अपने कुल बहन नहीं देंदे। हांडी रोटी तो लैके कपड़े धोन तक सारे की समझे, नौकरी तो लभ लै, पैसे हो ना बंदे को हर चीज खरीद सकता, तू थोड़ी जी खरीद ले की समझे। ऐसा की समझना है, साड़ी ते मत्ती मार दीती है। चल जोना आज फिर अब्बे नु दस नौकरी नहीं हो लब्बी। हीरा मैनू सुनिया भेज के बुलाया सी। अच्छा जिस तरह सुनिया सी उस तरह ही पाया, दो अतवादों का वो बाहू जे ऐसे लगता भी हीरिया मंगे। मालूम होता है कि साढ़े मंगर कदी कदी दिन नु तू भी पी लेना, कदी कदी नहीं जरूरत पवे तो रोज ही पी ले। काम की करना है, आज तक कोई काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं। मैं भी तो बंदे की जरूरत सी करेंगे। तेरा कौन है जिदे हाथ मैं नौकरी करनी है, जो ताके को कोई काम है तो उन्हें दे दे। बेगाना बन के सिफारिश भी कर ले, यार बन के हुक्म कर, यार बना के तो सा मेरे को कहना काम लेना। एक गल तेरे जेन बीच क्यों आई इस वास्ते, जब पैसे वाले ने गरीब आदमी को घर बुला के यार बनाया उन्हें उसके लोग काम जरूर लेना होता है। ना तू समझदार है, पैर छड़े ना गलन, ऐ वलैती शराब कभी पहले भी पीती? और कटिया शराब मैं कभी हाथ भी नहीं लाया, एक कटिया आदमी ने भी कभी यार नहीं बनाया। बस फिर ठीक है, मेरे यारी वाला हाथ शमो भाई के कोठे से मिलना चाहिए बाबू जी। बिल्कुल ठीक है, हीरा आज राती साडा मेहमान। लिया पहले भी कभी यहोजा कोठे ते आए हैं? जेल दी राह विच आण वाले सारे मुकाम मैं चंगी तरह जानदा। Thank you.
थोड़ी जी खिदमत कर लेते चले गए तो मल्ले भी जाके हीरे नाल गल करन जोगे बनांगे। मेरा ख्याल है पुलिस आने तो पहले ही तुसी इत्थों चले जाओ। हाकू बदमाश ने ते फड़े जाना, तुहानू एवें खाम खा थाने जाना पेगा। मैनू थाने क्यों जाना पेगा? मैं कोई बुराई नहीं की थी, एक बदमाश नू मारे। इन्हां दी पूरी तारीफ की है बाऊ जी? ए साडे मल्ले दा हीरा बदमाश है शमो भाई। बदमाश शमो भाई हाकू ताकत दे जोर ते गुंडा टैक्स वसूल करदा, ओनू इस वास्ते बदमाश कहंदे ने। मैं गुंडा टैक्स वसूल करने वाले दे वधे हुए हाथ लव विच रंग के वापस उन्होंने मुंह से मारना। मैनू इसलिए बदमाश कहंदे ने। शरीफ आदमी तो खवांदा
जड़ा चुप करके गुंडा टैक्स दे देता। ओए छड़ ही रहा, कड़ियां गलां विच पै गईं। चल चलिए। चाचा इलमू कित्थे गए? मैनू पछाणिया नहीं पुत्रा। लगे कमाल हो गए चाचा, मैं भुलेखा खा गया सा। मैं तो यही समझदा रहा खौरू सफा ने चौंक तो कोई चरगा फरार हो गया, चाचे के घर आ गया। मालिश कर रहा हूं, फिक्र वाली गल ही कोई नहीं पुत्रा, हूं तो मैं बिल्कुल तगड़ा हो गया। तगड़ा हो गया ना करे, ये क्या कहना है? लगे चाचा तंदुरुस्त तू हो गया, सच पूछे ना तंदुरुस्त चंगा नहीं लगता। की मतलब? मतलब ये भी तेरा रंग पीला क्यों हो गया? मेरा रंग पीला है? रंग पीला नहीं, ओए होए होए, तेरिया ते अखा भी लाल ने। हाय मेरी अखा भी लाल ने। ओ तेन ते बुखार भी है चाचा। ओह पिंडा ते मेरा गरम है। ओ तेरिया ते लत्ता भी कमन लग पईया ने। ओ चाचा ओए की जुलम किता है अपने आप नाल, तू ते मैनू कड़ी पालदा पराणा पे लगना। और फिर वेखदा की है पुत्रा, छेती नाल डाक्टर नूं बुला के लिया, मैं मर चले। तू बच सकना चाचा जे कंध वाल मूह करके लेट जाए थे। चल छेती कर, मैं दवाई लैके आवां ते डाक्टर साहब नूं बुला के लियावां। लेट जा, ओ लेट जा, ओए आउन मूह कर। बालिए इस ढल दे हुए हुसन का एडा मान ना कर, मैं तो कहना चुप करके अपनी मां नूं कहो तो चार कलमे मेरे नाल पढ़ा ला। वेख ला 32 रुपया आने मेरी जेब विच फिलहाल हिलगे नहीं, तो जे खर्च हो गए तनखाह बड़ी दूर जा पेगी। की ख्याल? ख्याल तेरा चंगा तेरा नहीं वे, तेरे जी फिरंतु बंदे नूं मैं चंगी तरह जाननी। ब्याह तो पहले बेचारी कुड़ी नूं कुछ होर ही कहंदे ने, जदों ब्याह हो जाए तो उन्हें कुछ होर ही चक्कर दिंदे ने। चक्कर दिंदे? आहो तेरे वांगू। इहदा मतलब है तू मेरे तो पहले किसी पंगूड़े वाले नाल प्यार करदी? जबान बंद कर दे। ते फिर इस गल नूं मान लै कि जिहड़ी गल मैं पिया कहना पत्थर ते लीह के जे मैं करके ना विखावां ते मैनूं अपना खावन ही ना मन्नी। देख कन्न खोल के सुन ले, मैं 100 साल तक तैनूं अपना खावन नहीं मानना। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਘਰ ਕਿੱਡੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਬਿਸ਼ਕ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਅਗਮੈਸ਼ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ। ਬਾਲੀਏ ਹਰ ਮਮਰ ਕੀ ਬੇਬੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹੀ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੀਠਿਆ ਆਈ ਬੇਬੇ। कुचला पाक दियांगा। मजाक बनाई, हर वेले बीमार बनिया रहना। खबरदार कदम अगा पुटन की कोशिश ना करे, नहीं तो मैं तेरे पैरों में डिग पाऊंगा। ओए आप फोके पैर। खबरदार इस सुते शेर के पूछल के पैर रज जाग पे, तेन चंगा भला पता है। और भुखे कल तो सीधी तरह दस आया, किस तरह कुबाइर तो नहीं आया, बस रुलदा खुलदा आया। तो यह गल कह आया तेरे जे त्रिलेदार बंदे का मैं यार बन के अज तक खटिया की। मतलब? मतलब ये कि तेरा इस महल कि टैक है, तू इस टैक को फायदा क्यों नहीं उठाता? बाबा जी तेन शर्म आती तो तू मैनू हुक्म कर, मैं तेरा ना लैके महल च गुंडा टैक्स वसूल कर। नहीं यार देखो जी गल दूजी बारी ना करे। गल ये कि मैं बगैर फीसों तेन चंगा मशवरा दिता, तेन मंजूर नहीं, तू मैं ये दस तू मेरे लिए की कर सकता? पागला मैं यार से जान दे सकना, तू हुक्म तो कर। हुक्म मैं खाक करा, तू कुछ खलोवे भी तेज गांव मुगुल लगा ही जा रहे। अच्छा जे गल तो चल के बालिन तड़ी ला, उन्हें मेरा प्यार करने तो इनकार कर दिता है। वेना उन्हें तेरी यार की लाइफ स्पॉइल कर दी है, तो तू अपने यार की जिंदगी बर्बाद की। पक पक शुरू। ओए पागला तू चाहे तो तेरे घर का पानी भर सकती। पानी भर सकती वो माश की थी, पर किस तरह हो सकती?
ओए जुआ छाते शराफत ही सिंदी इख्तियार कर, चार पैसे जोड़ लेगा तो मां को रिश्ता मांग लो। यार मैनू कोई मुंडा कढ़ाने नौकर नहीं रखता, मैं नहीं करा। तू ए फिक्र ना कर, हाशम की नौकरी का बंदोबस्त मैं बाबू अजमल वाले कर ले, तेरा भी उसे कि टांका जोड़ देना। टांका जोड़ दे, ये वेल्डिंग का काम कितों सीख ली? लै टांका जोड़ देना, मैंने तो यह समझ नहीं आती। गल ये कि तेरा याद ताश बनता थक जाता, यह फ्रूट से क्रेट किमें चुकेगा? मेरे को मजदूर नहीं हो। मैं तो उन्हें सोच लग पाया जे पढ़ने लिखने वाली नौकरी नहीं मिलती तो मेहनत मजदूरी कर लवा। पर तेरी मां तो कहती हुंदी सी तू पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनेगा। सोचना वो अपने गुरबत में धोखा देंदी सी कि तकदीर में मनांदी हुंदी सी। मां दे बस जिद्दा ते मैं बड़ा अफसर बना देती, वो बेबस तो सिर्फ दुआ करती हुंदी सी, पर उसकी दुआ भी तकदीर सिन्ने पत्थर का दिल मोम ना कर सकी, गुरबत हनेरिया खुशी की रोशनी ना लिया सकी। हाशम मैं जदों भी तेरी मां बिस्तर का ना लेना तू रोटी खानी छड़ देना, किधर तू मैं ना सौता कदी दी खुश कर दिता। हाशमा ओए मां मर गई है पर तू तेरा प्यार नहीं मरन दिता। तू इतने की लैन आया? ओए मैं तेन कई बार आखिया साढ़े घर आया कर, फिर मेरा पुत्र तेरे जे लुच्चे लफंगे का यार नहीं हो सकता। एडा वड्डा तो कोई जुर्म नहीं किया जिन्हें तुम सजा दी। हाशम एदी हुकके मेरे बुढ़ापे नूं इस गल दा यकीन ना दुआ कि जिन्हों मैं पुत्तर समझना वो एक बदमाश दा यार है। अब्बा जी गल एक बदमाश दी नहीं, उस बच्चे दी है जिन्हों अज तक किसी ने पुत्र कह के उसके सिर ते हाथ नहीं धरिया और जो किसी बुजुर्ग ने पहला सिर रस्ता नहीं दसिया, उस इंसान दी जिन्हें जुर्म तो कोई नहीं किया पर लोगों ने उसके नाल नफरत जरूर की है। मैनूं तां इंज लगता है जिवें तैनूं प्यो नालों ज्यादा इस बदमाश दा ख्याल है। पापा हवादार ने तुम्हें बाबा क्या दे
भाकियां दी मंडी ना लाई शराबी होके शरीफ प्यो दे घर नूं नचण वाली दे कोठे नालों भी भैड़ा बना दिता ही बदरंग लाश ने मेरी बेटी छुड़ा दी चल हाँ चल के मोर ला
जवानी
तन्हाई ते शराब तेन ते समीर बेचारा कल्ला देखना जित की भी होती है। दरवाजा क्यों बंद कर ले? इस वक्त तेन कोई इतने देखना लगे नूरी मेरिया गलों का जवाब ठीक ठीक दई गलत तेरा प्यो इस दुनिया विच सब नालों ज्यादा प्यार तेन करता ना आहो। और तेरा नंगा सिर ढकन ले अपनी जान दे मुल तेरा दुपट्टा भी नहीं लिया सकता है। और तेरे वाल आने वाली मौत के सामने एक डाल के खलो सकता है मेरा दिल के खलो सकता है तेरे तेरी खातर एक सारा कुछ कर सकता है फिर तू मेरी इज्जत की हिफाजत क्यों नहीं करती? मैं तेरा मतलब नहीं समझी ही रहा। मैं शराबी हूं नूरी कि शराब इस फिजी हुई गल तेरी समझ नहीं आ गई हाली भी समझ नहीं आई तो ये सोच के वापस चली जा ए दुनिया वो मंडी है जिथे औरत मजबूर हो जाए ते वो अपनी इज्जत फेंक देती है पराला चार हो जाए ते वो गैरत का मुल बच लाता मां पे बस होकर इज्जत बचाने वास्ते कतल करे ते वो जेल भेज देती जाती है नफरत कीते गए इंसान शर्म इस तरह चले जाते वापस चली जा नूरिए मेरे बल प्यार करने तू बहुत सारे रुपए लेके आ इस दुनिया में प्यार तो की इंसान नहीं रुक जाते अपने हाथ में कुंडी खोल के जा ताकि तेरे प्यो की इज्जत का परम रह जाए तो लोग जिन बदमाश कहने और शराफत का मान भी रह जाए नहीं समझिया पानी च अपनी शक्ल देख रहे वो भी साफ नजर नहीं आती पता क्यों इस वास्ते कि पानी आप गंदा है आहो हर वसर मैली नजर आती जी अपनी अखों च मैल हो ना बहू बहू ना तू मेरा अज ना लिया ना मैंने यार रखे मेरे नाराज तो नहीं की गल का करना बहू मैं तो बदनसीब हाँ जोड़ा निके होंगे किसी में रुसता से कोई मनाण भी नहीं आता जवान होया तो ने मैंने बदमाश कहना शुरू कर दिता मेरी जिंदगी की उम्मीद भी की है इधर हालात को शिकस्त मनन वाले अपनी मर्जी ना जिंदगी नहीं गुजार सकते तू बचपन तो ही हौसला हार गया से मैं इस फिर हालात का मुकाबला करता नहीं थक गया सिर्फ इस वास्ते कि तेरे को किसी ने नफरत नहीं की थी खैर छा किसी सलाह नौकरी तो नहीं मिली हीरिया पर तू उस दिन दुख मंडाला की गल की सी तेरी नौकरी की इतलाह देन गया था मेरी नौकरी की इतलाह कितने बाग दे मालक बहू अजमल को तू हमने वो को चला जा वो अज ही तेरा नौकर रख लेगा ओ हीरिया तू कितना अच्छा यार है मैं हमने जाना ले भाई मेरी जिंदगी दे हीरा पहला बंदा आई जी मैं अज तक समझ नहीं आई कोई पता ही नहीं चलता वह जाहिर सही वो मुठ च कुछ नोट दे के उदे नाल नूरी का जिक्र कर दियो अपे वो बातन का पता लग जाएगा वह गल तो ठीक है पर सानू इनी छेती नहीं करनी चाहिए देखना जब तक पंछी जाल में अच्छी तरह ना फस जाए वो गर्दन से छुरी नहीं रखी थी छे सात दिन वो सामने बह के जनाब गल खलो के करन वाली है मैनू हीरे ने जनाब को भेजे नौकरी वास्ते नौकरी वास्ते जनाब वो कहना सी जाके मेरा नाम लवी नौकरी मिल जाएगी
ਕਿਵੇਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈ ਵੀ ਦਿਲਾਵਰਾ ਲੈ ਵੀ ਆਸ਼ਮਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 125 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ 125 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਲੂਮ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੀਰੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ इस वास्ते असी तेन 150 रुपया तनखा दिया जरा भी बड़ी मेहरबानी सर मेरी ड्यूटी बस है फल पैक करवा के मंडी पहुंचा देने ते हिसाब किताब रखना इंशाल्लाह तुहानू शिकायत दा मौका नहीं देगा अच्छा हुण तू जा ते सवेरे अपनी ड्यूटी ते आके दिलावर को काम समझ सर अपने माल की हिफाजत आप करनी चाहिए थी जा मेरी बीबी थी अच्छा बा शराबी दी गल दा इतबार कर ले तू किड्डी भोली तेरे नाल प्यार करनी है नहीं रिया मेरे जन समझदार दुनिया च कोई है ही नहीं की समझिया सारे मेरे को नफरत करदे ने तू मैनूं प्यार क्यों करनी नूरी मैं चंगा आदमी नहीं वे तेरे जहा तो मैनू एक भी नजर नहीं आता पर जो तू नजर फेर लैना तो मैं इंज लगता है जिम्मे मैं चंगी नहीं तो जो सारे खा जाने वाली नजर आंकते हैं तो मैं समझनी हाँ कि जे मैं चंगी हाँ तो फिर तू मेरे ना प्यार की नजर क्यों नहीं वेखता यो ख्याल यो सोच मैं देर तक खिंच के लेंद की समझे पर नूरी मैं शराबी हाँ यो एक ग्रहण तेरे चंग जे मथे ते सारी दुनिया कहती है पर अज मैं तेन प्यार एक गल जरूर कहूंगी शराब छड़नी पड़ेगी शराब छड़ दी ते लोकां दी लाई हुई नफरत दी अग मैं किदे नाल बुझावांगा प्यार नाल मेरे प्यार नाल मैं दांगी कि सारी दुनिया दी नफरत एक पासे रख लई ते मेरे प्यार दा पल्ला फिर भी भारी रहेगा दिल दे आखे लग के कीती हुई गल जिंदगी दी ठोस हकीकत दे सामने दम तोड़ दंदी है नूरी सोच के कीती हुई गल दिल दा फैसला सुन के आखिरी सांस नहीं लैंदी अखां बंद करके जिस राह ते तू कदम रख्या नूरी और जिल्लत रसवाई ते नफरत दी जमील ते बनी शराब ते जुआ सड़की जे मेरी बांह फड़ लवे ते रब दी सो रात मौत भी आए ते मैं तेरा साथ नहीं छड़ांगी जुआ ते शराब छड़ देवां ते मैं कल्ला रह जाना शराफत दे ठेकेदार पहले ही मैनूं अपने कोल नहीं पहन सकदे जुआ ते शराब छड़ दिता जो मेरे नाल गल भी नहीं करेंगे अपने हथों में चार दीवारी विच ना डिगण दे नूरी नहीं ते लोकी मैनूं बदमाश ते कहंदे ने किधर तन पागल ना कहण लगता मैनू तो पागल कहे तो कहे मैनू तो तू हूं ही होश नहीं लगता नहीं तो तू मेरे प्यार का जवाब नफरत इतना देना रब दा वास्ते नूरी अखों चली जा मैं चली जानी हाँ पर आज तो बाद शराब च डोड़ देनी तू ही अपने समीर नू ते दाग ला दी इंसानियत नू हूं तेनू डकन वाला कोई नहीं लिया हूं तेनू डकन वाला कोई नहीं लिया डकन वाला कोई नहीं लिया नूरी नूरी आज तो बाद मैं शराब नहीं पियांगा जुआ ते शराब छड़ देगा ते तू दुनिया च कल्ला रह जाएगा नहीं नूरी आज तो बाद मैं दोवें लानते छड़ देगा मैं माफ कर दे सच ही रहा आहो नूरी नूरी दाड़ी बन के मैं कुंडे जदों कड़ना ते बदला चे ते बदला चे जान लुकना ते बदला चे जान लुकना माही मिनता चुंगे के तन्ना बिच पे
ਬਦਲਾਂ ਚ ਤਨ ਲੁਕਣਾ ਲੜੀ ਬਣ ਗਏ सुन के मेरे दिल ने आपे हां कर ली मां ते मैं उन्हें तेरी नूं बनाने का वादा कर ली तू जिंदा होंदी ते उहदे सौ सौ शगन मनांदी सारे महल्ले दियां औरतां आके तैनूं मुबारक दिंदियां ते तू अपनी नूं दियां सिफतां कर कर नूं थकदी पुत्तर दे विआह दे वाजे सुन के तुम्हें खुशी च पागल हो जाणा सी मां खुशी च पागल हो जाणा सी तेरे मरण तो बाद आपा ने बेगम साहबा दे घर की नौकरी कर ली है ते कल बेगम साहबा ने उन्हें चिहक मारी सी ते अज उन्हें चपेड़ मारी है आपा ते उहदे घर का सारा काम कर दी है ते फिर बेगम साहबा मेरी आपा ने क्यों मार दी है तू आके उन्हें कुछ समझांदा क्यों नहीं अब्बा सारे कहंदे ने जड़े मर जान वो वापस नहीं आते जे इस तरह जाला सही तो सानू कि हवाले चढ़ गए दो लब्बा जवाब दे केड़ी गल साढ़े ना नाराज हो गई तू वापस आ जा मैं हूं तेरे को खटौने भी नहीं मंगागा अब्बा अब्बा आपा लाड नाल जमाल कहती है बेगम साहबा गुस्से विच यकीन बेगम साहबा नहीं हाथ टुट गए तेरे दोनों दबा तौबा अजकल के लोग छे छह रोटियां खा जाते हैं ते काम करने लगे इन्हें मौत आ जाती है नहीं सुनिया नहीं हूं जोर से कुट जी बेगम साहबा नहीं प्यो मरे हाली दो महीने भी नहीं है कहीं सोचा सोचती रही हर वेले सोचती हाँ जिन्ना दे प्यो मर जान दुनिया वाले उन्होंने तमाशा क्यों बना लेंगे नहीं अगर जवाब देनी है नौकरी करनी है सिद्ध करा कर नहीं करा किसी का दिल टूट जाएगा तो दिलों में रब वास्ते जे दिल टूट गया तो खुदा भी नाराज हो जाएगा देखो तमाशा तू ऐसे की लेने जे मैं कहो अपने को बड़े बदमाश का गिरवान फड़ना है तो फिर बकवास बंद कर ले बदमाशा मैंने बदमाश इसलिए कहनी है कि मैं शराब पीना ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਦਾਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਾਂਗੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਬੈਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਯਤੀਮ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਵੇ ਜਾ ਨੂੰ ਵੇ ਬਸ਼ੀਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੇ
ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਖਰਾਬੋ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੋਹੇ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬਤ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। मैं तो बदनाम करने तो नहीं आया, मैं तो सिर्फ उसी आया था कि एक चेटी जवान होकर दूजा होगा ना बन जाए, खुदा करो मैं तो तेनों अपनी भैन समझी। भैन कह वाला तो सिर तनी है, तू भैन कह के कितने चले वीरा? आहो वीर भी ये बोतला की तोड़ी है वीरा, तू मेरे जो कार में उठे ना ते मैं शराब दिया बोतला इसलिए तोड़िया ने, ते मैं शराब दिया बोतला तोड़ दी। तू तो सानू धून वाज मार के मौत दे मुंह च वापस बुलाया वीर वे, तू भी ते भैन बन के मैं नवी जिंदगी दी है शादो, मैं अपने मथे ते लगा हुआ बदनामी का दाग अपने खून पसीने ना तोलांगा। लाला तू तो मेरी आपा नु चिलकाने ना मारेगा। नहीं जमाल कहनी मालक नु बन के रह, नौकरी तो हूं सानू लभनी पै, तेरी इस नौकरी ने बड़े काम सवारे ने, मैं पढ़ाया ते ए नौकरी मैनू हीरे ने दवाई है, मैं ते सारी जिंदगी उहदा एहसान नहीं भुल सकता, हीरे दे एहसान दा बदला चुकाने तो पहले मेरे नाल मशवरा जरूर कर लई हाशम। हां हीरे नू समझण दी कोशिश कर, ओ इन्ना बुरा आदमी नहीं हैगा जिन्ना तू समझदा है। मैं कल्ला ही ते नहीं, सारे मल्ले वाले नू जुआरिया ते शराबी समझदे ने। अच्छा आबा मल्ले वाले नू सिर्फ एक पूछ, हीरा जुआ खेडण तो पहले की करदा सी? मल्ले वाले नू पुछण दी की लोड़ है, मैं आप चंगी तरह जानना ओ जुआ खेडण तो पहले शराब पींदा सी। ए नहीं पुछदा कि ओदी मां ने अपनी इज्जत बचाने लई नादर नू क्यों कतल कीता सी, मैं सिर्फ ए पुछना पहले हीरे ने शराब पीती सी या मोहल्ले वाले ने नफरत ना तकिया सी? हाशम जराइम दी दुनिया दर हो ही बच्चे करते ने अब्बा, जिन्हें ना नफरत की जुर्म खत्म करना जे ते मुजरम बनाने वाली नफरत दा ना निशान मिटा दियो, जुर्म आपे दम तोड़ देगा। ओ मेरे चन पुत्रा तू इनी सोहनी गल्ला कित्थों सिखियां ने? उसे हीरे कोलो अब्बा जिदे नाल तुसी नफरत करदे हो। हीरे कोलो? मैं इंदा हीरे कोलो नफरत ही करांगा पुत्र। अब्बा तू सच आख्या हाशमा, जुर्म की गुजार नफरत है, जो नफरत ही रहेगी तो जुर्म भी नहीं बदे भुलेगा। हूं मैं मल्ले वाले की कोई परवाह नहीं, मैं हीनू तेरे ब्याह से जरूर बुलावांगा। हाशमा रख के रोटी खानी पैंदी सी ते अज जंगेर सामने रख के खाधी ते बड़ा ही स्वाद आया लाला। तैनू रोटी का स्वाद आया जमाल, तो मैं भैन के हाथों की पक्की खाधी है, जिंदगी का मजा आ गया और अज मैं बड़े खुश हाँ। अल्लाह मेरे वीर की जोड़ी रही दुनिया तक सलामत रखे, मेरा ख्याल है वीरा जमाल नु किसे काम ते पा दई। नहीं शादो जमाल नु मैं कॉलेज तक पढ़ाने का फैसला किया, तू ये ना कराया कर, ताडे दोहां दे मुतलक सोचना मेरा काम। वीरिया हाशम वो वापस क्यों तुर चले यार? आवाज देखी नहीं सी आया, सोचा है मुटियार मेरे को पर्दा न करती हो। भाई चलिया भैन ने भी भरावान को कभी पर्दा किया? आहो भैन हाशम का ना शादो है, ये मस्जिद के पिछले मकान वाली बेनौकरी करती सी, उत्थे हर रात इन्हां पास यतीमी का ताना ते हर सुबह एक नवे दुख का पैगाम लेके आते। दौलत दे नशे बेगम ने इन्हां बद नसीबों अपने घर चो इस तरह कर दिता जिस तरह कोई दुखा का मारिया अपने चो अथरों कर दिता। मैं अगां वध के इस यतीम के सिर ते अपना हाथ रखिया ते कुदरत ने उहदा इनाम मैनूं इस भैन की शक्ल ही दिता है। ईरिया ये तो बड़ा ही चंगा काम है, मैं तो सोचने लग पिया जेडे तैनू बदमाश कहते हैं उन्होंने नाम की रखा? उन्होंने गल छह आशम इधर वेख इतने दिन हनेरा नजर आ सी उठे रात में चानण हो गया यार, मैं जिंदगी कुछ भी करता रहा पर रब की रहमत तो कभी मायूस नहीं सा होया। तू रब की रहमत तो मायूस नहीं सी होया, इस दुनिया च हर बच्चे की पैदाइश इस गल का सबूत है कि रब भी हर इंसान को मायूस नहीं होया। वह बड़ा ही बेलियाद है आशम, उन्हें मैंने एक भैन का भरा भी बना दिता है। शादो सिर्फ तेरी भैन नहीं साड़ी भैन, मेरे सिर ते वीर की छां करने वाले हो, शायद मैं भैन की उम्र भी तानू लगे। हीरिया इधर होके जरा खुशी की गल तो सुन ले। की गल है आशमा? तू नौकरी की तुझे हीरिया उस कुड़ी ने? ओ भाई तू आप चंगा है, तेरी पसंद भी चंगी होगी, तू कुड़ी का नाम तो दस। ना ले फिर सुन, ना ही होता नूरी।
जिस दिन तू यार सिर से बनने का क्यों नहीं आशमा यार यार सिर से सिरे बनने पर ईमान भी कभी कभी तोड़ जाता है। मैं तो शराब अपने दुख का इलाज समझ के अपने आप में धोखा देता रहा पर अज पता लगा शराब को बुरी शाय कोई नहीं दुनिया च हम तो सचमुच बदल गए हीरा पर उन्हें मल्ला छड़ के कितने जाएगा जिथे मेरा कोई माजी ना जानता हो मेरी मन तो इस महल्ले वाले तड़ी ला दे असं भी तेरे नाल हाँ जरा तेन इतने तुर जाने का हुक्म दे असं मुंह मत्था रंग देंगे नहीं है जीतिया जवान भैन के भरावान को बदमाशी नहीं करनी चाहिए लै जमाल तू शादन को बाकी का समान बांध के रखे मैं हमें छड़ के आया समान चंगा लाला जो मल्ले वाले ने नवा दुख दे के कटिया सी पर कुर्बान जावा सोने रब तो जिन्हें भैन भरा का साथ दे के सारे दुख भुला दिते ने पहले जुआ खेड के 100 रुपया भी दिता था ना तो इनी खुशी कभी नहीं सी हुई जिनी अज 4 रुपये कमा के हुई हराम ते हलाल दी कमाई च बहुत फर्क हुंदा मैं बाजारों जाके सेवियां ते देसी घ्यो लियावां अज असीं सेवियां पकावांगे वीरा पैसे तो सारे मैं दे गए ते सौदा कहां ले आएगा ओए याद कराते लिया 2 रुपया वापस दे छाले वेख के घबरा गई चली दुआ करे छाले चंगिया बन जाए तो मैं मेहनत मजदूरी करना थका मैं अपने मजदूर होने से फख्र हो तेनों एक मजदूर की भैन हो सर हाले एक टक का माल पूरा नहीं होया फरमाओ तो अजी मंडी पहुंचा दें नहीं तो कल तक इंतजार कर लवा बन पेटियां का माल तो जिनी छेती हो सके मंडी पहुंचा देना चाहिए जी बेटा मैं अज ही मंडी पहुंचाने का इंतजाम करता बेटा तू क्यों गया जाना क्यों नहीं जी बाबू जी गल वे के मैं थोड़े नाल एक बहुत जरूरी गल करती है मेरा ब्याह हो रहा बाबू जी तुम मैं 1000 रुपया एडवांस दे दो मैं हर महीने अद्धी तनखा कटवाता रहा 1000 रुपए की कोई गल नहीं है मेरा सारा पैसा कारोबार में फंसा हुआ है फिलहाल मैं तेरी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता कुछ दिन ठहर जा जे रकम आई तो तेन दे दें जी थोड़ी बड़ी मेहरबानी मेरी मनो बाबू जी तेन अज ही नौकरियां जवाबा दे दौ जे इन तनखा मिल गई तो इन्हें नूरी से एक अद्धा गहना जरूर बनवा लेना इला वजह अगर मैंने नौकरियों कढ़ दिता तो नूरी का प्यू मैं अच्छा आदमी नहीं समझेगा नूरी नाल ब्याह करन लई कोई होर चाल सोचनी पैगी मैं जिंदगी दियां अखियां रावां ते चलदा होया नूरी को पहुंच गया नूरी दुनिया जहां दियां खुशियां लेके मेरे घर आएगी नूरी मेरी बंदर नूरी मेरी जिंदगी नूरी रब को पाया है सच पूछे तूने मेरा भाग जगाया है मंगया सी जो आसान रब को पाया है बुत तेरा भी जनल रब ने बनाया है मंगया सी जो असा रब को पाया है
नसीबों दी सवेर होई जागया जहान मेरा नसीबों दी सवेर होई जागया जहान मेरा मुद्दतां दा पूरा होया दिल अरमान मेरा सच्चे प्यार पूरा अज रंग चढ़ाया है मंगया सी जो असां रब को पाया है सोनी तस्वीरे ओला पाला मुख तिनी सोनी तस्वीरे मैनू जी लगे जीवे मेरी तकदीरे दिल वाले शीशे विच तैनू सजाया है मंगया सी जो असां रब को पाया है सच पूछे तूने मेरा पाग जगाया है शादो जमाल शादो कितने गई दिन डुबन तो पहला गई सी पर अली तक वापस नहीं आई दिन डुबन तो पहला गई सी पर वो गई कितने रे ये तो दस के नहीं गई पर कहन दी सी जल्दी आ जाऊंगी जल्दी आ जाऊंगी फिर अली तक आई क्यों नहीं दिन की रोशनी च गई सर दिखनेरे चाहिए इन गल दसते जो पहला कदम चुकया से उदो मेरी गारत ने तेरा रस्ता रोकया से करे दूसरा कदम चुकया से तेरे मोए हुए प्यो की इज्जत तेरे सामने कंध बन के खलोती से करे वीरा अपन सोचा आवाज मार लै वो शक वाले पासे टुर गई तो भैन जी उन्हें मर जाएगी फिर छेती दस कितने गई सर की कर गई सर देर में क्यों आई है प्यो की कबर उत्ते हंजुआ ने दीवे पाल के ऐ कह गई सर कि तू मर के जिन्ना मुसीबत को पिछा छुड़ा गए उन्होंने हाली तक साड़ा पिछा नहीं हो सकता शादो मैं तेरे दिल चो मोए रो प्यो की याद नहीं कर सकता पर इनी गल जरूर कहांगा हूं तू कल्या घरों बार पैर भी ना कड़ी इस दुनिया में इज्जत बचानी बड़ी मुश्किल है औरत कली होवे तो उन्हें इज्जत बचाने लिए कतल भी करना पै जाता तू फिक्र ना कर वीरा मैं कल्या प्यो की कमर कर नलसन तू तक ड्यूटी ते भी नहीं गया कोई खास गल नहीं अब्बा नौकरी का वक्त हो गया तो बड़े आराम में घर में खलोता है यही खास गल लगती है तू मैं दसता क्यों नहीं आख्या जो है अब्बा बस एवं छुट्टी करने दिल किया तेरी आवाज तेरा साथ नहीं दे रही पुत्र छेती दस तेरी गल ने परेशान किया है तेन जिंदा कर अब्बा गल सुन के तू भी परेशान होने सिवा होर कुछ नहीं कर सकता तेनू चुप देख के भी तो मेरे दिल नू चैन नहीं आता पुत्र सच दस आशमा अज नौकरी ते क्यों नहीं गया उन्हें नौकरी दी की सी नौकरी तो करते हैं जिन्होंने फ्रॉड ना करता मैं तुहाडा मतलब नहीं समझे बाबू जी असी ताडे कहन ते थाने जाने की बजाय इत्थे आए हूं तुसी मेरी गल का मतलब भी इहनू समझा दिओ ओए छेती बोलो ऐ मदीना जिहड़ी नवी मुसीबत ते मेरे घर का बुआ खड़काया है गल करन दा हौसला नहीं पैंदा कासमा ओए पर वह गल कही है मैं दसना वा ताया तेरे हाशम नू बहू हरा रकम लैन वास्ते मंडी भेजिया ये उतो रकम लै आया पर बहू हरा दे हवाले नहीं सुकी थी हवाले नहीं सुकी थी ओए पर क्यों ये गल ते सानू अपने हाशम को पुछनी चाहिए कासमा हाशमा ओए मैं की सुन रहा तू इन्हें रकम इन्हों के हवाले क्यों नहीं की मेरा ख्याल है इस गल का भी दुरुस्त जवाब नहीं दे सकू इन्हें कुछ दिन पहले मेरे को अपने ब्याह वास्ते 1000 रुपया एडवांस मंगया सी मैं किसी मजबूरी के तहत इनकार कर दिता इन्हें अपने ब्याह का खर्चा पूरा करने लिए मेरा 2000 रुपया गबन कर लिता और तुम्हें तो कुछ बोल हाशम वो बाबू ने की कह रहे ने अब मैं 2000 रुपया गबन नहीं किया मेरे को 600 नकाब पोशा नहीं खोलिया गल वो कर जिन्हों अकल भी मन सके मैं तेरे जे मुलाजमत को धोखा खाने की तालीम हासिल नहीं की मैं यकीन है मेरा रुपया तेरे को तू जान बुझ के मेरे हवाले नहीं करता ओए मदीना ओए तू बाबू
तेनू यकीन क्यों नहीं तो आंदा कि तेरे यार दा पुत्र एहो जिहा नहीं हो सकता। व्याह जिक्र सुन के मैं आप ही सोची पै गया कासमा, ऐस उम्र दे मुंडे जज्बात कमाई नाल पुत्र नूं जवान कीता है, ये मेरे खून पसीने की कमाई विच हराम नहीं मिला सकता, हराम नहीं मिला सकता। यार तैनू ते पुत्र दे प्यार ने किसी गल का होश ही नहीं रहन दिता, तैनू की पता इन्हें हीरे का यार बन के केड़ा कसर नहीं कीता। दिलावरा मेरी बर्दाश्त की हद मुक गई, जो हूं तो कोई यहोजी गल की तो मैं नहीं पुत्र नहीं, इस वेले इन्हों गल का हक हासिल है, जे तुहानू साडे ते यकीन नहीं तो फिर बेशक साडे घर की तलाशी ले लो। तुसी 2000 रुपये की गल पै कर दियो, साडे घर ते 200 रुपया भी नहीं। ठीक है बाबू जी, तुसी इन्हां दे घर की तलाशी ले लो, हो सकता आशम सच ही कह रहा हो। दिलावरा अगे बद के इन्हों के घर की अच्छी तरह तलाशी है। तुसी फिक्र ना करो बाबू जी, ताडा माल हजम करना कोई आसान काम नहीं। आशम जदों राती घर आया सी ते बाद कितने बाहर तो नहीं गया सी। जी नहीं, वो सारी मंजी ते लेट गया सी। चाचा गल उस बेईमान नौकर दी है जिन्ने अमानत ते खयानत की है। मेरा दिल नहीं मानता बाबू जी, आशम एहोजा मुंडा नहीं हो सकता। ओनू नौकर रखन वेले मैं भी यही सोचा सी, पर ओदी एक करतूत वेख के एहसास होया कि बस चेहरे धोखा भी दे जांदे ने। समझ नहीं आउंदी आशम एडा वड्डा जुर्म किस तरह कर सकता है, ते नाले ओनू जरूरत भी की सी। ये ते मैं नहीं पता, पर ओने आप ही आखिया सी कि व्याह कराना ते बल्ले एक पैसा भी नहीं। ये गल मेरी मौजूदगी च हुई सी चाचा जी, आशम ने बहू होरां कोलों 1000 रुपया पेशकी मंगिया सी व्याह दे खर्चे वास्ते। व्याह दे खर्चे वास्ते आशम ने 1000 रुपया पेशकी मंगिया सी। मैं उन्हें कुछ दिनों के बाद देन का वादा किया सी, पर उन्हें अपना आप पहले ही विखा दिता। उन्हें यह नहीं सी ना पता कि कीती भरनी पै जांदी है। ये तो उन्हें हुण पता लगेगा, जरा मैनू थाने जाके रिपोर्ट लिखवा लेंदे। बाबू जी मैं तेरे नाल गल नहीं पछाण सकती हाँ, नहीं पछाण सकती हाँ। सर सारे क्लियर गिनवा के ट्रकी निर्वाद से गए थे। ठीक है दिलावर, तू ट्रक पे बैठ के शहर चला जा, मैं तुम्हें जरात भी जाके नवीर साहब में पूछी कि मेरा काम हो गया कि नहीं। जी बहुत अच्छा, इन्होंने नवी आरती का पता दस दिता सी। दस दिता जी, बहुता पढ़िया लिखे हैं, हर गल पहली बार ची समझ जाता है। जरा तुम फिक्र न करो, मैं सारा माल मेयर मंडी ले जाके हाजी गुलाम सरवर आरती के हवाले कर दिया। रकम जेब चो बाहर कर दे, अपने पैरों से टुर के घर चला जाएगा। मैं बगानी रकम थोड़े हवाले कभी नहीं करा, खाली हाथ नहीं जाना। माशरे चाहे तो मैंने किसी ने पुत्र ना आख्या, जी आवाज सुन ली मैं कसे तो तरसा सन, अज आवाज मेरे कना ने सुन ली। मां अज तेरे बाद
जिंद से पुत्र आके अज मैं बड़ा खुश हाँ मां अज तेरा पुत्र बड़ा खुश ही मां अज पुत्र ने जिंदगी च पहली बार किसी ने पुत्र आके रब दा वास्ते मेरा पिछा छड़ दे वे तेरा पिछा तो मैं कभी भी नहीं छड़ना चाचा जी अहो अहो बुरा ना के होर गुस्सा चढ़ा दे
पहली बारी साडे घर आयो बाऊ जी, मैं चाह पानी पीते बगैर नहीं जान देना। अपना ही घर है चाचा जी, फिर किसे ले आके पी लांगे। इसलिए बाऊ सानू बड़ा जरूरी काम है, एक यतीम खाने च जाके चंदा देना ने। अच्छा उन्हें इजाजत दियो चाचा जी, नाले फल खरीदने वास्ते बाजार पैसे खर्चना करया करो, ताड़ा अपना ही बाग है, जिन्ना मर्जी फल मंगवा लिया करो। तुहाडे बड़ी मेहरबानी बाऊ जी, अपने वांगू गल्ला करके अपने प्यो की याद ताजा करा दिती जे। बाजी भी हमेशा ताड़ा ही जिक्र करते सन, तो मैं ताड़ा ख्याल क्यों ना रखा। अच्छा इंशाल्लाह हुण तो मुलाकात होंदिया ही रहनगिया। चंद लावड़ा चलिए नाले। अते खर्चे वास्ते हाशम ने 1000 रुपया पेश के मंगया सी। बाऊ जी मैं ताड़े नाल गल करन वास्ते आया चाचा। बाजी घरों बाहर नहीं निकलिया। सच कहने पिया? झूठ तो मैं जान बचाण वास्ते भी कदे ना बोलना बाऊ जी। और कुछ लभिया दिलावरा? हाली तक कुछ नहीं लभा बाऊ जी। ओ जी मेरा दिल कहंदा तुहानू इत्थे लभना नहीं कुछ नहीं, तुसी आप तसल्ली कर लो बाऊ जी। ताड़ा दिल धोखा खा सकता है, पर मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। बाहर नहीं सी गया कि केड़ी चारपाई ते सुता सी। तेरे कोल खड़ोते हो बाऊ जी। दसें तेरे घर 200 रुपया भी नहीं, ये नोट कितों आए ने? साड़ी रकम तो सानू मिल गई है, पर तुसी भी पछाण लो चाचा, ये घर तुहाडे यार दा ही है। मेरे नाल जरूर कोई धोखा होया, मैं इन्हां नोटां दे मुताबिक कुछ नहीं जानता। और असी बड़ा कुछ जानने आशमा, शुक्र कर माल पुलिस ने बरामद नहीं किया, नहीं तो खड़े खलोते मैनूं हथकड़ियां लग जाणियां सन। ओए दिलावरा सानू साड़ी रकम तो मिली गई है, नाले हाशिम चाची होना दा होन वाला जवाई है, असी इन पुलिस दे वाले नहीं करने। चल आ चलिए। हूं तो शक वाली कोई गल नहीं ना कासमा, तेरा पुत्र चोर साबित हो गया, ते मैं एक चोर नाल अपनी धी कभी नहीं ब्याह सकता। मैनू तो समझ ही नहीं आई ये सब कुछ की हो गई है। वो मेरी गल तो सुनता जाए मदीना। अब्बा मैनू एडा वड्डा दुख क्यों दिता है हाशिमा, इस दलील हरकत करने तो पहले तू भी अपने खून से शक करके आपा। कोई गल नहीं, तेनों भी एक दिन यकीन आ जाएगा कि तेरा पुत्र किसे जापस के। वाकई मेरे नाल सच्चा प्यार कर, ये मेरे सच्चे आशिका, तू सच्चा ते मैं झूठी, मैंने तेरे प्यार से इतबार आ गया। मैं मां नाल तेरे नाल ब्याह जरूर करांगी, आज ही मैं अपनी मां नाल ब्याह की गल करनी है। चल के निबासी किया चपनी है बागा ना आटी, नहीं तो मैं रौना पा दिया। मुटियारे जिस वेले मैं तेनू अपना असली रूप दिखाया। असली रूप की पा दे खैर फकीरानू वलैती कंध टप के वे आया लाल गल दिलगीरा। ते तू इंज बात नहीं आवेगा, मैं सारे मल्ले वाले नु इकट्ठा करके तेनू इन जुतियां पवांगी इन कि तेरे जरिए है जड़ी है ना गलियां में रुलती फिरेगी। ठीक है, नाल मल्ले दे चेयरमैन साहब नु भी बुला ले ताकि तेरी चंगी तरह बदनामी हो। खबरदार जो तू साडे घर पुठियां सिद्धियां गल्लां करन लई आया थे। दिल करदा टांट मार के तेरे बत्ती दंद बाहर कढ़ दे, वो वखरी गल बाहर जे मैं बीड़ लवाना पै जे मैं खर्चा कर देंगा, पर मेरी गल सुन, इस चाचे का सिर मैं बहाना लाया
मैं ते तेरे नाल अपने दिल दे दुख सुख फोलन आना मक्का थरे भी ते बेवकूफे तू मेरा दुख सुख कट सुननी है ते चील मुंग रौला बहुत पानी है क्यों की बटा बकवास गल कर दे शहजादी तेन किन्नी वारी आख्या कि ए मलिया दी गैर मौजूदगी च अपने आप नु कर नहीं ले समझ दो भरा तेरे कोल ने तेन किसी चीज की जरूरत होवे कोई तकलीफ होवे मैनू दस भैणा दे बड़े हक हुंदे ने भरावां ते भरा कोल होण ते भैणा नु किसी चीज की जरूरत नहीं होंदी दुख तो सिर्फ इस गल का है कि हीरे वीर ने सदा जेल च कटनी है ते मैं इस कार दी चार दीवारी ये गल है ते फिर मेरे नाल तू मेरे घर चल ना वीरा मल्ले वाले तेन भी मल्ला छड़न ते मजबूर कर देंगे अल्लाह तेन सुखी रखे मेरा की है मैं तो दुख सहन की आदि हो चुकी हूं शादू जिन्हें भैन के भरा जवान हो तो उन्होंने तो नेड़े नहीं आते तेरी बड़ी मेहरबानी वीरा मैंने जिस चीज की जरूरत हुई मैं आप आके मंग लूंगी हीरे की गैर मौजूदगी तेरी अखर चल नहीं आने चाहिए मेरी भैने हीरा सुनेगा तो पता है की करेगा हाशम ने भैन की अखा के मोती पुत्र समझ के यारियों की कब्र से चुन दिते ने मेरी भैन अथरू पूछ दे शाबाश अच्छा मैं हूं चलना खुदा हाफिज जिनी ताकत मेरे नोटा में है जे हाशम मेरी जंज डकन वास्ते आया तो मेरे जंजियों की लाश तो गुजर जाएंगे मैं यदा बंदोबस्त ही कर लगा कन्ना तक पहुंचने तो पहला जे तू मेरे प्यो का नाम नहीं दस सकती फिर मैंने वो कब्र जरूर दस दे जेड़ी तू मेरे रास्ते खोती है बुराई दियां राहां का पता दस दे जिन्हों तो चल के गुनाह का यह निशान इतों तक पहुंचे रुकी अज तक मैंने बदमाश कहें आए ने तू मैं बेगैरत भी बनाता है पर मैं अपनी गैरत इस कातिल नूं दिलां नहीं छड्डांगा बच्चा गुनाह का निशान नहीं मैं तेन ये प्यो का नाम भी दस सकती हूं पर मेरा निकाह फड़ा के भी मेरा अपनी बीवी नहीं मानता ना है उदा। तो ये निकाह कदों पड़ा गया से नाम बाबू अजमल है बाबू अजमल ते निकाह मेरे प्यो के जीवने ही पढ़िया गया सी पर वो तेन अपनी बीवी क्यों नहीं मानता की पूछने वीर वे इतने आके भी मैं अजमल के पैरों से सिर रख के अपना हक मन जाती रही तू पूछना सर ते मैं अबे की कबर से जान का बहाना बना लेंदी सर मैं अफसोस है वीर वे तू जिन्हों अपनी गैरत बनाया सी वो एक दौलतमंद ते आयाश आदमी की इज्जत है इकला कर तक मैं लेके देंगा तेन जी हो सह व्याह नहीं होने दूंगा हाकिम तेन मेरे तुरंत किस तरह होगा ये नाल गल मैंगा चाचा जी और तू मेरे नाल की गल कर दीजिए तेरा लाके अपनी मौत से पहचान होए तेन आख्या टुकी जिंदगी चलने से चुप करके इतों वापस चला जा नहीं तो मेरे आदमियों के हिस्से तेरी एक एक गोटी भी नहीं आएगी और मैंने भी कला ना समझी यार तो कुर्बान होने की हजरत तोड़े सारे से गाटे लाने का हौसला और मैं भी अपने नाल लेके आया वहां अज तो नूरी की डोली नहीं तोड़िया लाइटा जान गिया जे कल तो फिर अच्छे असं भी डोली तेरी लाश तू लगा के लै जाएंगे
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਅੱਜ 302 ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। बदमाश जो किसी बदचलन की हमायत की गल करता है, साढ़े जा शरीफ आदमी की गल से यकीन नहीं करते। तेरी शराफत का पोल से पहले ही खुल गया है, हूं तुम बदचलन आखे अपने आप को साबित कर देता है। इन्हों सारे ने सामने मन या तो तेरी बीवी है तेरा बच्चा है। की कह रहे ये मेरे को कुछ हाशिम हीरा अपने गुनाह से पर्दा बांध ली भैन भरा के मुकद्दस रिश्ते की आड़ लेना चाहता है। ये अपने चेहरे की कालक किसी होर के चेहरे से मलना चाहता है। ये बदमाश आदमी इस समय तुम दूसरा साल नहीं लग जाए। मैं भी किसी बदमाश को डर के झूठ नहीं बोल सकता। गल का जिंदा सबूत है बच्चा है, जिस पर शक करके महल्ले वाले ने तेनू महल तो कह दिता। ये बच्चा मेरा नहीं तेरा है। जिन्हें तू पैर का सुहाग रखे मैं उसे हाथ नहीं चुकन दिया। तू बड़ा पुत्र नहीं मानता, तू अपनी जिंदगी की पीक क्यों मंगनी है? जे अज तेरे हथों एदा सुहाग गुजर गया ते भैन अम्मू बोले भरावां ते इतबार करना छड़ देंगे। पर जे अज मैं इहनूं जिंदा छड़ दित्ता ते खतम नहीं होवेगी। ते फिर अज मैं भी सामने खलो के खावंद नूं कतल करां। हुण तू कुछ ना कवी छाटो, इस भरा ने भैन दी गल नहीं मन्नी, इस प्यू ने इनकार कर दिता है, ते तू भी अपनी ममता नूं औरत दी इज्जत तों कुर्बान कर दे। मैं इस बच्चे दे सामने मुका के एक गाय मुका देंगी। नूरी मेरे पुत्र का मारी नूरी ओए अपने कलेजे नु हाथ पे हाथ बन के खलो गया। ऐस मजलूम दी अखां विच अथरू के तैन तरस क्यों सी आया? शराब मैनु नेकी बदी दी पहचान बुला दी सी प्रिया, खुदा वास्ते मैनु माफ कर दे। ऐ भैण मैं तवे की शहर हुंदी है कीता ते अज मीरे दा पुराना उधार भी चुका देगा। आसमान खबरदार है, बराबर होने की कोशिश ना करना, गिरफ्तार कर लो। मैं तेरा पुत्र ही चाचा।